स्वागत है आप सभी का फोटो यात्री में। आज हम चलेंगे ऑक्सीजन प्लांट के अंदर, जहां हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भरे जाते हैं और वो उसके बाद डिस्पैच किए जाते हैं अलग अलग हॉस्पिटलों और घरों के लिए। हमारे यहाँ पहुँचते देखा कि कुछ काम चल रहा था और खाली सिलेंडरों को अनलोड किया जा रहा था। पूरा गोदाम जो है वो सिलेंडरों से भरा हुआ था, कुछ इलाके खाली थे, कुछ में भरे हुए थे। और हम बढ़ चले इस तरफ जहाँ पे नए नोज़ल्स दिख रहे थे हमें लगे हुए। यहाँ पे बहुत सारे नोज़ल्स जो हैं वो लाइन से लगे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि शायद नया इंस्टॉलेशन किया गया है। और इसी बीच एक कर्मचारी आता हुआ दिखा तो हमने उसको कैप्चर किया 800 ISO में 4 अपर्चर और 1/80 के शटर में। फिर हमने उससे बातें करने की कोशिश की, हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इन सिलेंडरों को भरा कैसे जाता है। तो उसी दौरान हमने कुछ और फ़ोटो क्लिक किए, आगे की तरफ बढ़े और देखा वहाँ पे बहुत सारे सिलेंडर जो है वो रखे हुए थे, शायद रिफ़िल करने के लिए ही रखे हुए थे। एक कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहा था, हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया हमें कि यहाँ पे CO2 भरा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा जा रहा है। तो ये जो अलग कैटेगरी थी इसी प्लांट के अंदर, यहाँ पे कुछ जगहों पे ऑक्सीजन भरी जाती है, कुछ जगहों कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक और तस्वीर लेने की सोची जब ये कर्मचारी यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे। आप देख सकते हैं एक अच्छी तस्वीर हमें यहाँ पे मिली। इस तस्वीर के बाद हम यहाँ से आगे बढ़े और यहाँ के इंचार्ज से हमने बातचीत की और वहाँ से जाना कि ये जो नए नोज़ल लगे हुए थे ये अभी हाल ही में लगाए गए थे, क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडरों की इतनी डिमांड है कोविड के टाइम में कि सब लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ रही है, हॉस्पिटलों में, घरों में। और उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा नोज़ल्स लगाए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर यहाँ पे भरे जा सकें और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो है वो करके दे सकें। जब हम इंचार्ज साहब से बात कर रहे थे तभी हमने देखा कि एक व्यक्ति सिलेंडर लेके खड़ा है। आप यही काम करते हो, लेने आए हो कहाँ से? रिक्वायरमेंट कितनी है? इन लोगों ने बताया नहीं होता, कुछ मालूम है फोन किया हुआ कितने जाएंगे, बच जाएंगे। आप खाली लेके आए हो या भरे लेके जा रहे हो? भरे ही लेके, खाली लेके नहीं आया। लोगों से बात करके हमने जाना कि यहाँ पे शॉर्टेज बहुत है सिलेंडरों की और इनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं और 24 घंटे यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है। इसी बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड इन सिलेंडरों के सामने से गुजरे तो हमने उनकी फ़ोटो क्लिक की और काफ़ी अच्छा एक शॉट मिला हमें। वो कर्मचारी जो अकेला 24 सिलेंडरों को एक साथ भरे जा रहा था, हमने सोचा कि उसको अपने कैमरे में कैद करना चाहिए और हमने इस शॉट को फाइनली कैप्चर किया। चलिए आइए आपको बताते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट काम कैसे करता है। सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन प्लांट एयर सेपरेशन टेक्निक से बनाया जाता है। यहाँ पर एयर पास होता है फिल्टर के थ्रू और डस्ट और पॉलिन को रिमूव किया जाता है। उसके बाद इस एयर को कंप्रेस करके फीड किया जाता है प्योरीफिकेशन यूनिट में और फिर उसके अंदर से मॉलिक्यूल जो वाटर के कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन इस तरह की चीज़ें हैं उनको अलग किया जाता है। और इसी बीच में उसको कूल किया जाता है अवॉइडिंग आइस फॉर्मेशन, ताकि वो इतना ठंडा हो जाए कि उसको कंडेंस किया जा सके। इसके बाद एयर को भेजा जाता है कोल्ड बॉक्स में और उसके टेम्परेचर को -173 या -148 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, जिससे वो इतना कंडेंस हो जाता है कि वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है। और इस लिक्विड ऑक्सीजन को धीरे धीरे उसको रिलीज़ किया जाता है और आगे नोज़ल के ज़रिए सिलेंडर्स में भरा जाता है। अब हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं वो सेक्शन जहाँ पे नया इंस्टॉलेशन हो रहा है लिक्विड ऑक्सीजन से, उसको प्रोसेस करके पाइप के थ्रू धीरे धीरे सिलेंडर्स में भरा जाएगा। और जो आपने देखे थे 24 नोज़ल जो नए लगाए गए थे, ये उनको सप्लाई करेगा और उन सिलेंडरों में भरा जाएगा। हमने देखा कि इस प्लांट में दो अलग अलग प्रोसेस से ऑक्सीजन से सिलेंडरों को भरा जाएगा, लेकिन हम जब हम बाहर गए तो देखा कि कुछ लोग अभी भी परेशान हो रहे थे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की। मना थोड़ी कर रहे
मना कर रहे हैं, सब जगह जाए, सब जगह मना कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, सुबह से भटक रहे हैं। आपको घर के लिए थी? नहीं, पेशेंट का पर्चा है, पेशेंट है हॉस्पिटल में भर्ती, सुबह 9 बजे से घूम रहे हैं, होटल का लिखवा के ला रहे हैं, बंदे आ रहे हैं। लोग बाहर बहुत परेशान हो रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक ऑक्सीजन के सिलेंडरों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, रिफिलिंग नहीं हो पा रही है। बहुत से लोग जो है निराश होकर अपने अपने हॉस्पिटलों में, घरों में वापस लौट रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ 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 घर में रहें, सुरक्षित रहें, और बाहर जाकर किसी भी तरीके का रिस्क ना लें, जिससे इस बीमारी को फैलने में मदद मिले। अगर इस बीमारी को हराना चाहते हैं तो हमें घर के अंदर रहना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजर यूज़ करना पड़ेगा, और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम इसको अभी हरा सकते हैं, और जब भी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाकर वैक्सीनेशन करवाइएगा। अगर आज का ये सफ़र आपको पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे हम इसी तरह के अलग अलग सफ़र पर आपको साथ लेके चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।